नमस्कार महेंद्र तनया को स्वागत करुची मु सुशांत संपूर्ण खबर पूर्व प्रथम देख लंबा हेडलाइंस। आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात और डामनडीउ गस्त बात्याउते स्थिति नहीं करेंगे समीक्षा साइक्लोन परवर्ती क्षयति नहीं हेब आकलन अहमदाबाद प्रधानमंत्री गुरुत्वपूर्ण बैठक। भीषण सामुद्रिक बात्या ताउते टांडव गुजरात और महाराष्ट्र में 40 रु अधिक लोकों मृत्यु साइक्लोन दुर्बल होगा सह घूर्णी बात्यार परिणत वर्षा बतास थमेवा पर उद्धार और रिलीफ कार्य त्वरान्वित सेपटे अल्प के बर्तिला मुंबईर ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया। बंगोपसगर में दाना बांधुची पुणी एक लघुचाप मे 23 बेलू बात्या सृष्टि नहीं पाणीपाग विभाग अनुमान बात्यार रूप ने ओडिशा प्रभावित होवार आशंका भूविज्ञान मंत्रालय सूचना आज आसपे बात्यार स्पष्ट चित्र। ओडिशा रे कोरोना स्थिति उद्वेगजनक नीति आयोग सदस्य भिके पल का सूचना 15% रु अधिक संक्रमण हार रे देशर 22 राज्य मध्य रे ओडिशा केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय रिपोर्ट 23% को खसी ओडिशा संक्रमण हार सेपटे मुख्य शासन सचिव का सूचना राज्य रे महामारी स्थिति स्थिर। महांगा अभियुक्त बदल घटना काठगड़ा अबकारी विभाग मुख्य अभियुक्त को खसाइबा किए रचि षड्यंत्र अफिसर विरोध में हो कि दृढ़ कार्यानुष्ठान प्रश्न उठू अबकारी मंत्री निरंजन पूजारी ने कि आक्शन। कोविड मुकाबला नहीं राज्य सरकार को बीजेपी परामर्श महामारी स्थित को मिलामिशी मुकाबला कोरोनार टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रिटिंग अधिक ओडिशा प्रति केंद्र सरकार रही भरपूर सहयोग। रोगी चिकित्सा लांच मगा मलकानगिरी मुख्य चिकित्सालय टंका नदले मिलूनी सेवा डाक्तरों उपस्थित हस्पिटाल कर्मचारी डिल कहते 100-200 जहाँ पार्च दि एवं जातीय पताका को असम्मान आसामे तिरंगा पताका को बनैले डाइनिंग टेबुल क्लॉथ सोशल मीडिया रे वायरल परे सारा देश में असंतोष अभियुक्त परिवार 5 सदस्यों विरोध में मामला आसाम पुलिस छानबीन। वर्तमान संपूर्ण खबर बात्या स्थिति समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात और डामनडीउ गस्तरे जीवा नहीं कार्यक्रम रही साइक्लोन तायुते परवर्ती समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। क्षयति आकलन सहित गुजरात अहमदाबाद में गुरुत्वपूर्ण बैठक बस बैठक में उपस्थित रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सेपटे साइक्लोन ताउते गुजरात और महाराष्ट्र में तांडव रचि जार भयंकर वीडियो वायरल होते सामुद्रिक झड़र प्रभाव देशर पश्चिम भाग में अवस्थित विभिन्न राज्य में अनुभूत होार प्रभाव में गुजरात और महाराष्ट्र में व्यापक परिमाण में क्षयति होती बात्यार धनजीवन ठार आरंभ कर हजार हजार एकर जमी गच्छ समेत अन्यान फसल सबू बर्बाद हो जाएगी। भीषण सामुद्रिक बात्या तौकते मंगलवार ठारु क्रमशः दुर्बल होइछि। गुजरात सौराष्ट्र उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिगक यह गति करी घूर्णिबात्यारे परिणत होइछि। बात्या तौकते गुजरात दिशारु 120 किलोमीटर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व और सुरेन्द्रनगर पश्चिम 35 किलोमीटर दूर से घनीभूत रही जहाँ क्रमशः अवपात परिणत हो भारतीय पाणीपाग विभाग पक्षर आकलन जमापड़ी। तौकते प्रभाव में गुजरात और महाराष्ट्र में 40 अधिक लोकों मृत्यु होता बेले अनेक आहत होती ता सहित एवं भी 200 रु अधिक लोक निखोज। अच्छा गुजरात में 16,000 घर यही बात्यार प्रभावित होता बेले 40,000 रु अधिक गच्छ 70,000 रु अधिक विजुली खंभ उपुड़ी पड़ता बेले पखापाखि 6,000 गाँव में विजुली संजोग व्याघात होता मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर कहुई। सेपटे बात्या दुर्बल होगापर वर्षा और बतास थमी फल उद्धार और रिलीफ कार्य त्वरान्वित होपटे तौकेत मुंबईर ऐतिहासिक गेटवे ऑफ इंडिया अल्पके बर्ती जाई निकटे फुटपाथ को समुद्र भसाई नहीं गेटवे ऑफ इंडिया सुरक्षा लगी निर्मित कांथ और लुहाबाड़ बात्यार क्षतिग्रस्त हो।
बंगोपसगर में दाना बांधुची आउ एक लघुचाप मे 23 तारीख बेलू मध्य बंगोपसगर एक लघुचाप सृष्टि होबार अच्छी तेरे बंगोपसगर में सृष्टि होता एक लघुचाप बात्यार रूप ने ओडिशा प्रभावित होबार आशंका रही बात्यार रूप नेबा एजाए कौन स्पष्ट आकलन कराई पूर्व मौसुमी दक्षिण आंडामान निकोबर एवं निकटवर्ती दक्षिण पूर्व बंगोपसगर छुईबार आशंका कराऊ तेरे आज बात्या नहीं चित्र स्पष्ट हो पारे पाणीपाग विभाग पक्षर कह तेबे एने अधिक आलोचना करिबा आम सहित जोड़ी आम भुवनेश्वर रिपोर्टर कविता स्वईं कविता कौन कहे पुणी आउ एक बात्या बांधु बात्या दाना बांधुची ओडिशा पाई जहाँकि आज जहाँ सूचना मिल स्पष्ट हम यह ओडिशा उपरे कौन प्रभाव रही तबे कौन रही अधिका अपडेट यही बात्या केबे आसी ओडिशा रे लैंडफोन करिबो एवं विशेष भाव में क्यों क्यों जिला एथिरे विशेष भाव क्षतिग्रस्त हेबे से नहीं किसी पाणीपाग विभाग पक्ष अपडेट रही निहाती भाव में सुशांत जदि कह जितेबाला ओडिशा रे बात्या कथा उठे लोकों मनरे छनका पसे और डर हुए कहीं जितेबाला भी लघुचाप सृष्टि हुए बंगोपसगर से बात्यार जदि रूप निए ताहले ओडिशा रो उपकूलवर्ती अंचल गुड़िक विशेष भाव में क्षतिग्रस्त हुए जदि कह लोक मैंने बेस भयभीत हमें बात्या आसुची ना शुणिले आदि कह चलित बर्षर प्रथम बात्या गुजरात मुहां होता बेले गुजरात स्थलभाग आड़क मुहां होता बेले यह हूँ द्वितीय लघुचाप जहाँकि 23 तारीख में कहुच कि 23 तारीख में लघुचाप सृष्टि हो किंतु वर्तमान पर्यंत आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर जहाँ सूचना मिली कि लघुचाप सृष्टि होगापर ता ओडिशा उपर केते प्रभाव पड़े ताहा स्पष्ट होना आज जितेबाला दुईटा बुलेटिन आसो से स्पष्ट हो पार ओडिशा उपर केते प्रभाव एवं लघुचापटी घनीकृत हो सुपर साइक्लोन कि साइक्लोन रूप नेब ता स्पष्ट हो पार आदि बात्या जो ताउते कथा कहिबा गुजरात रे व्यापक क्षय क्षति होइछि आउ ता सहित चारु छोटी राज्य मध्ये विशेष भाव में क्षयति होती जो सौराष्ट्र अंचल गुजरात रही विशेषकर सेठारे 16,000 रु अधिक घर और 40,000 रु अधिक मूल्यवान गच्छ मध्ये भांगी ता सहित आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से घटनास्थल को जा स्थित परीक्षार बैठक गोटे रखा जाती कह कि फल जो रही सेठिकार जो ऑक्सीजन प्लांट बा कोविड हॉस्पिटल जेहेतु करंट व्याघात होयर ही कहीपर कि ऊपर विशेषकर प्रभाव पकाइबा कोविड हॉस्पिटल हो बा ऑक्सीजन प्लांट उपर प्रभाव पकाइबा आ जदि कहबा बंगोपसगर कथा पूर्व बंगोपसगर जो सृष्टि हो लघुचाप गोटे 23 तारीख को सृष्टि हेबो तहार प्रभाव केते मात्रा रहिबो ओडिशा उपर ताहा केबे घनीभूत हेबो तहार ता प्रभाव रे ओडिशा केते क्षति सहिबो तहार स्पष्ट सूचना मिल पारिबो आउ किछि समय पर कविता आउ गोटे कथा जानवाक चाहिए जोटा आपन सूचना दौले ओडिशा उपर यार कौन प्रभाव रही आउ किसी समय पर जना पड़ तेबे यार प्रभाव केवल ओडिशा राज्य उपर रही ओडिशा सहित अन्य कौन सी राज्य उपर यार प्रभाव पड़ पारे से संपर्क में किसी सूचना मिली देखु वर्तमान पर्यंत जहाँ आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना मिली कि 23 तारीख में सृष्टि होगा गोटे लघुचाप ता केबे घनीभूत हेबो अवपत्र रूप नेब बा साइक्लोन रो रूप नेब आमे ता स्पष्ट वर्तमान पर्यंत आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर स्पष्ट होइनी जेबे स्पष्ट हेबो तबे जणा पड़िबो ओडिशा उपर प्रभाव रहिबो ना ओडिशा मुहा हेबो ना बांग्लादेश मुहा हेबो जदि ओडिशा उपर प्रभाव रहुची तबे केउ केउ जिला उपर विशेष करी प्रभाव पकेबो केउठी केउ सळ भागरे माडा हेबो केउठी लैंडफॉल करिबो तार स्पष्ट चित्र मध्ये सामना को आसी परबो जेतेबेले आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर स्पष्ट सूचना मिल परबो निहाजे बहुत बहुत धन्यवाद ये थे आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि कविता स्वईं जहाँ सूचना दौले आउ किसी समय पर जनापड़ब जे बात्या जहाँकि मे 23 तारीख में जो लघुचाप आसू बंगोपसगर जो लघुचाप हो प्रभाव ओडिशा उपर के सहित ओडिशार पाखवर्त जो सब राज्य रही के प्रभाव रु किसी समय पर जनापड़ब अभी हमारा मेट्रोलॉजिकल सिचुएशन जो है इसमें 23 मे का अराउंड एक लघुचाप व लो प्रेशर एरिया ईस्ट सेंट्रल पूर्व मध्य बंगोपसागर में होने का चांसेस है और मानसून भी हमारा साउथ वेस्ट मानसून अंडमान सी में जो पहले एडवांस करते हैं उसका भी चांसेस 21 मई में एडवांस होने का चांसेस है अंडमान सी में साउथ अंडमान सी एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल एरिया में
ओडिशा रे कोरोना स्थिति उद्वेगजनक एभली कहिसंती नीति आयोग सदस्य भिके पॉल। 15% रु अधिक संक्रमण हार थिबा देशर 22 राज्य मध्य रे ओडिशा रहिछि। सेपटे मुख्य शासन सचिव कहिसंती ओडिशा रे स्थिति एबे स्थिर अछि। अपरपक्षे केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय जुग्म सचिव लव अग्रवाल कहिसंती ओडिशा रे वर्तमान संक्रमण हार रहिछि 23.5%। ओडिशारे कोरोना स्थिति उद्वेगजनक स्थिति रे थिबा कहिसंती नीति आयोग सदस्य तथा भारत सरकार को कोविड मुकाबलार विशेषज्ञ पीके पॉल। संक्रमण हार 15% रु अधिक थिबा राज्यगुडी को महामारी उद्वेगजनक स्थिति भावे वर्णना करिसंती पॉल, जेउथरे देशर 22 राज्य थिबा बेले ओडिशा मध्ये सेथिरे रहिछि। एबे ओडिशारे 23.5% संक्रमण हार रहिछि। वी स्टिल हैव फ्यू स्टेट्स वेयर there continues to be concern in terms of the trajectory, Tamil Nadu, Andhra, West Bengal, Orissa, to some extent also Punjab. So it's a mixed picture, but there is overall stabilization. And what we know from scientific analysis that the R, the reproduction number, is overall below 1 now, which means the pandemic is shrinking overall. And that has happened because there is a huge comprehensive containment effort above all, in addition to managing the cases in home settings and in hospitals. And we are hoping and keeping the case fatality rate reasonably under control, which is also a tribute to our effort of our healthcare workers. आज सांबादिक सम्मेलनी करी मुख्य शासन सचिव कहिछन्ति राज्य रे महामारी स्थिति स्थिर रहिछि। नियंत्रण रे रखिबा पई मे 19 तारिख रे सरिबाकु थिबा लॉकडाउन आउ 2 सप्ताह बढाई दिया जाइछि। दिन रे 6 घंटा बदल रे 4 घंटा करा जाय, नियम को अधिक कडाकडी करा जाइछि। ए जो लॉकडाउन आमे जेहेतु टाइमली राज्य सरकार तरफ लॉकडाउन करा हला, सेति पई जो हार रे जो रेट रे कोरोना वृद्धि पाउथला आम राज्य रे सेटा अनेकांश रे तार जो इंक्रीजिंग रेट अनेकांश रे कमीचे एवं गत प्राय 15 दिन हला आम राज्य रे कोविड संक्रमण प्राय स्थिर अछि। तथापि वर्तमान प्रतिदिन प्राय 10,000 रु अधिक केस डिटेक्ट होउछे। केतेक जिल्ला रे स्पेशली पश्चिमांचल रे केते गुडे जिल्ला रे जोटा छत्तीसगढ़ बॉर्डर रे अछि, नुआपड़ा बलांगीर एवं अन्य केतक जिल्ला रे धीरे धीरे संक्रमण मध्य कमीबा आरंभ होइछे। एवं ए जो लॉकडाउन कराइतला एवं वीकेंड शटडाउन कराइतला तारो भलो इफेक्ट वर्तमान पड़िछे। अपर पक्षरे केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय जुग्म सचिव लव अग्रवाल कहिछन्ति 24% रु 23% को खसिछि ओडिशा रे संक्रमण हार। जदि एही हार को आगो को बचाय रखा जाय तबे स्थिति रे उन्नति आसिबो। वेस्ट बंगाल में इसी तरह से 34 से 31.9% केस पॉजिटिविटी, उड़ीसा में 24 से घटते घटते 23% के करीब, असम में 15.9 से 13.5%, पुडुचेरी में 45.1% से घटते घटते 37% और नागालैंड में 22% से घटते घटते 21%। यहाँ यह जरूरी है कि ये एक अर्ली ट्रेंड है, विच शोज कि अगर हम कंटेनमेंट एफर्ट्स पर ध्यान रखें तो हम अपने केसेस की संख्या को लिमिट कर पाएंगे, इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम कर पाएंगे। यहारे भीतर राज्य रे आरटीपीसीआर टेस्ट, टीकाकरण रो हार, विभिन्न कोविड चिकित्सालय मानकरे चिकित्सा रो स्थिति, राज्य को प्रवासी श्रमिकों को फेरिबा परिस्थिति, ग्रामांचल रे टीएमसी रो स्थिति नै कांग्रेस और बीजेपी उद्वेग प्रकाश करिसथि। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा, महांगा अभियुक्त बदली घटनारे एबे काठगड़ारे अबकारी विभाग, मद कारबार रे गिरफ, ढाबा मालिक तथा सरकारी शिक्षकों को खसाइबारे किए करिथिला षडयंत्र ताकु नै उठिछि प्रश्न। किए सेही अबकारी बाबू जिए ताराकांत महापात्र को खसाइबा पई एते बड़ योजना कले, या पछरे कहार हात रहिछि, ताराकांत एते कोन पावरफुल, कहा इशारा रे ए काम कला अबकारी विभाग, अबकारी मंत्री निरंजन पुजारी एक्शन नेबे कि, एभली कांड घटाइथिबा अफिसर विरोध में हो कि दृढ़ कार्यानुष्ठान, पूरा घटना किसी महांगा
छत्रछोटा पाखरे थिबा राधे राधे नामक ढाबारे चालुथिला चोरा मद कारबार। अबकारी विभाग फ्लाइंग स्क्वाड चढ़ऊ बेले विपुल मात्रा रे जबत होइथिला चोरा मद। मुको एई घटना रे सरकार मुको ओ बधिर विद्यालय शिक्षक होउचंती ढाबा मालिक ताराकांत महापात्र तांकु गिरफ करथिला पुलिस। हेले कोर्ट रे हाजर बेले दृश्यपट बदली जाइथिला। अबकारी विभाग अति चालाकीर सह ताराकांतक बदल रे तांको भणजा प्रदीप्त बळंकु कोर्ट रे हाजर करबाकु नेइथिला। कोविड मुकाबला नहीं राज्य सरकार को बीजेपी परामर्श। राज्य में देखा जाउथिबा कोरोना स्थिति को नहीं आम मिलीमिशी काम करिबा कहा को केबे दोष देबा बेल नुहे बोली कहिचंती बीजेपी साधारण संपादक गोलक महापात्र। आम जिते अधिका टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रिटिंग करिबा सेते आम कोविड कबल रक्षा पाइबा। ओडिशारे दैनिक टेस्टिंग हार 52,000 रही जहाँ पर्याप्त नुहे। राज्य सरकार दैनिक टेस्टिंग हार बढ़ातु। केन्द्र सरकार पखापाखि 44,50,000 अधिक आंटीजेन किट ओडिशा को पठाई जंती। ओडिशा रे 65,68,649 लोकों को टीकाकरण करा जाइछि। ता भितरु 64,31,284 जन सीधासळक भाबरे भारत सरकार को मागणा टीका पाई पारिछंती। केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को उद्यम रे ओडिशा कोविड हॉस्पिटल त्वरान्वित होउछि। भारत सरकार पूरापूरी भाबरे राज्य सरकार को सहयोग करुछंती। रोगी को बाबद रे जानिबा पई प्रति हॉस्पिटल ले हेल्प डेस्क रो व्यवस्था करा जाऊ बोली कहिचंती गोलक महापात्र। ओडिशा रो दैनिक टेस्टिंग रो दे आभरेज हार आपण देखिबे पाखापाखी 52,000 टेस्टिंग होजे जोटा की पर्याप्त नुहो। आज दिल्ली लढ़ई रे जीती सारी छि तारो बा केरळे माने जीतिबा स्थिति उ जाइचंती से माने अधिका टेस्टिंग करिचंती। त आमे जे पर्यंत टेस्टिंग करिबा नाही अधिका लोकंकर से पर्यंत आमे ए रोग रो मूल पाखरे पहुंची पारिबा नाही। तेणु मोर राज्य सरकार को अनुरोध अन्य राज्य माने जो भाव में व्यापक मात्रा टेस्टिंग करुछंती राज्य सरकार ओडिशा रे मध्य टेस्टिंग दैनिक टेस्टिंग बढ़ातु। आमठू छोट राज्य माने अधिका टेस्टिंग करि परछन आमे करि परिबा नाही। तेणु निश्चित भाव टेस्टिंग बढ़ातु। जदि टेस्टिंग बढ़ेबे ताहले लोकों को ट्रेस करा जाय पर ट्रीटमेंट करा जाय पर। मालकानगिरी रे रोगी सेवा पई देबाकु पडुची हात गुंजा। अर्गस हात रे पडिची एक्सक्लूसिव चित्र। मालकानगिरी जिला मुख्य चिकित्सालय रे स्वास्थ्य सेवा पई रोगी को देबाकु पडुची लांच। टंका नदले मिलुनी उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा किछि एभळी संगीन अभियोग आसीची जिलार मुख्य चिकित्सालय रु। चिकित्सालय रो अस्थि शल्य विभाग रे कार्यरत जणे कर्मचारी को नारे तेबे रोगी सेवा समय रे रोगी रो परिवार वर्ग को जोर जबरदस्त टंका मागुथिबार एक वीडियो एबे सामना को आसीची। ताहा पुणी खोद डाक्टरन को आगरे आउ टंका मागुचंती जणे झाडुदार। सबुटु बड़ कथा हेउची झाडुदार मध्य रोगी को प्लास्टर करुचंती। सूचना अनुजाई मालकानगिरी जिला मुख्य चिकित्सालय रे जणे रोगी निज हात भांगी जाइथिबा बेले प्लास्टर करिवा पई सेठा को जाइथिले। तेबे सेठारे तांकर प्लास्टर करिवा समय रे रोगी को रोगीर परिवार को लोकों को लांच मागिथिले। एभली चित्र सामना को आसीबा परे जिलार मुख्य चिकित्सालय कर्मचारी और अधिकारी को उपरे रोगी को सेवा उपरे मध्य प्रश्नवाची सृष्टि होईची। डॉक्टर नाले केते बेले हो ना टिके पर जोग बोल कहले आउ से डॉक्टर आइले कहले जाले कपड़ा कहले एक्सरे कलाटा देखले आउ अलग लोक दे देला परे जा टणा टणी करे से कहले आउ अलग तान रे डाकिन देले पचारले मो जो टणा टणी कहले सेटा पैसा केते दियो तमर मु कहले कि मो पाखरे तो एते पैसा नाही कि मके कर्त करवा पैसा नाही। नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। जातीय पताका को असम्मान। जातीय पताका को डाइनिंग टेबुल रो क्लॉथ बनाई ता उपरे हेउची लॉन्च। जार वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल हेबा परे यहा को नै देश सारा देखा दैची असंतोषर स्वर। एभळी अभिजोग आसीची आसाम रो बेनेगाई गांव अंतर्गत तेंगेनामारी गाँव रु। यही घटना रे सेही गाँव रो रेजिना परवीन सुल्तान एवं तांको परिवार रो 5 सदस्यों विरोध रे मामला रुजु होईची। तेबे यही घटना रो मध्य तदंत आरंभ करीची आसाम पुलिस। प्रत्येक भारतीय निजर भारतीयता को नै सबुबेले बेश गर्वित। निज देश प्रति भल पाइबा बलिदान और विशेषकर देशर जातीय पताका को सम्मान सर्वाग्रे देथाय।
जदि केही भी जातीय पताका को असम्मान करे भारतीयंक रक्त गरम हो जाए। हेले एभली किछि घटना आसाम रो बोनगाई गांव रो आसीछि जहाँ को देखिले आपण हतबाक होई जिवे। टिके भलो करि देखंतु ए दृश्य को। सबु सीमा टपी जाइछन्ति ए परिवार जातीय पताका को डाइनिंग टेबल रो क्लॉथ भाबे व्यवहार करि तापरे करुछन्ति लंच। देखंतु ए चित्र को। ए होछन्ति रेजिना परवीन सुल्तान घर आसाम रो टेंगनामारी। रेजिना ईद दिन जातीय पताका को डाइनिंग टेबल पर पकाइ निजो परिवार एवं संपर्कियों को लंच सर्व करथिले जार वीडियो सोशल मीडिया रे वायरल होइथिला। ए दृश्य को स्थानीय अंचल लोके उत्तोलन करी आसाम पुलिस को टैग करबा परे बोनगाई गांव पुलिस ए मुस्लिम परिवार को अटक रखिबा स रेजिना परवीन सुल्तान एवं ताको परिवार आ पांच सदस्यों को विरुद्ध रे केस रुजु करी घटनार खोलताड़ आरंभ करछि। जाजपुर जिला सुकिंदा पुलिस नारे आसी गुरुतर अभियोग। अभियुक्त को गिरफ पाई जाउथिबा बेले परिवार दिव्यांग और वृद्धा को पुलिस माड़ मारी थिबार अभियोग होईची। नुआ गांर दिव्यांग लंबोदर महांतों दूर संपर्क ज्वाई दुर्घटना घटाई फेरार थिले। तेबे अभियुक्त को गिरफ करने को जाइथिबा बेले संपर्क वृद्धा और दिव्यांग को पुलिस माड़ मारी थिबा अभियोग होईची। कलिंग नगर आरक्षी अधिकारी को भेटि न्याय पाई भिक्षा करिछंती पीड़ित। सार पाखु आसीदिन आ मो पुओ को बाड़े बेलू पुलिस बाला मो पुओ को बाड़ेला बेलू मु गली गली जमी मत बाड़े कहले मौसी तु खाली तो बाड़े धूमकी सार को देखा कर गोटे आजबेस्ट घर आगे ताल घर से ताल घर सी कैसे रोला आगे पाइला जो मत कहले बुढ़ा कुहासा गाड़ी गुलज कर बहुत कथा कहला आरे नाई कहला जाणी कहला घुसारी घुसारी आने मत टिया धरिकी पदार पकड़े मो अगणार। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक राज्य में कोविड स्थिति समीक्षा बैठक करिछंती। सोमवार सर्वदलीय बैठक में घोषणा करिथिबा कार्यक्रम में सफल कार्यकारिता सहित रोगी अवस्था संपर्क में संपर्कियों को सठिक सूचना देवा और टीकाकरण केन्द्र मानक सामाजिक दूरता रक्षा करने उपर गुरुत्व आरोप करिछंती मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कहिछंती जे राज्य में कोविड स्थिति एवं नियंत्रणाधीन अच्छी। राज्य में सुस्थ होउथिबा रोगी संख्या नुआ चिन्हट होउथिबा रोगी संख्या ठारु अधिक रहिछि। गत सप्ताह केतेक जिले में संक्रमण कमिबा आरंभ हो राज्य में पॉजिटिव हार कम रही एसबूपाई लॉकडाउन और लोकों मध्य सचेतनता को मुख्यमंत्री श्रेय देती। संक्रमण हार को संपूर्ण कमाइबा राज्य सरकार अधिक लॉकडाउन अवधि को आउ दुई सप्ताह वृद्धि करमें जदि समस्ते कोविड नियम मानि मास्क पिंधा बारंबार साबुन ने हाथ धोवा सामाजिक दूरता रक्षा करवा अनावश्यक भाव में बाहर बुलवा बंद करदे तेब आम निश्चय यही कोविड लड़े जीति पार्टी मुख्यमंत्री कहते हैं।